नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक सक्सेना यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमित सक्सेना। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि 29 अप्रैल को जो 10th और 12th का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलने वाला है, अब की बार दोनों एक साथ निकलेगा। और आपको बताने वाला हूं किन किन साइटों की मदद से आप वो रिजल्ट देख सकते हैं। अब छोटा मोबाइल से आप किस तरीके से मोबाइल से मैसेज करने के बाद में आप लोग रिजल्ट, तो दोस्तों मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपने छोटे वाले मोबाइल में, सादा मोबाइल में जिसमें नेट नहीं चलता है, उसमें आप मैसेज करके रिजल्ट अपना 10th और 12th का पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स छोटे छोटे लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आगे आप लोगों करके दिखाऊंगा किस पर मैसेज करना है, किन किन साइटों की मदद से आप लोग ये जो 2018 का रिजल्ट आ रहा है यूपी बोर्ड का, वो किस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप किन किन साइटों की मदद से जो है 10th और 12th का रिजल्ट देख सकते हैं। तो हम खोलते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद में हम इस पर लिखेंगे upresults.nic.in। ये जो है मेरी ऑफिशियल साइट है उत्तर प्रदेश रिजल्ट की, तो इस पर पहले रिजल्ट दिख जाएंगे। देखिए इस फॉर्म में ये रिजल्ट देखेगी, ये पिछले साल के भी आ रहे कि 2017 के, तो इस पर हम किसी पर क्लिक करके दिखा देते हैं कि आगे डिटेल आपको उसमें फिल करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको रोल नंबर फिल करना पड़ेगा और इसे स्कूल का जो कोड है एडमिट कार्ड पर वो दिया होगा उसे आपको फिल करना पड़ेगा। स्कूल का कोड आपको सेंटर से पहले उसमें दिया पड़ेगा, स्कूल के नाम से पहले दिया होगा आगे, तो उस कोड को डालने के बाद में आप इसमें फिल कर देंगे। अरे यहाँ पर आप डलवा देंगे 2018, तो इस साल का खुल जाएगा। ये रहा 2018, तो यहाँ पे अभी जो है उसके बारे में पूरी डिटेल दे रहा है, रिजल्ट कब निकलेगा क्या होगा। जब उस पर आएगा ना, जब रिजल्ट आएगा तो इस साइड पे आपको आराम से मिल जाएगा। ये हम दूसरी result.com पर सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर यहाँ आपको मिल जाएंगे यूपी रिजल्ट के बारे में। यहाँ आपको हाईलाइट में आप लोगों को मिल जाएगा उसके साइड, तो उसमें होंगे server 1, server 2, server 3, तो उस पर किसी पे भी आप क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट पर ना दिखाई दे तो सेकंड और थर्ड पर क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग रिजल्ट को आप लोग देख सकते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में उसकी साइड सारी लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर रिजल्ट रोल नंबर बताने के बाद में आप लोगों का रिजल्ट निकाल के उस पर डाल दूँगा। तो जो